साथियों, शुरुआत करते हैं हम मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी का जो पार्ट है हमारा। एमपीपीएससी का जो पार्ट है वह है यूनिट 5, और मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ से निश्चित ही 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और वो भी कंसेप्चुअल पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको किताब के साथ साथ भारतीय संविधान का अध्ययन भी अब आवश्यक हो चला है। तो मैं भारतीय संविधान से ही पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा उसका विभाजन भी मैंने, जैसे आज हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल का टॉपिक है उसके लिए हम यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसका कारण यह है कि यहाँ से निरंतर प्रश्न आ रहे हैं, चाहे आप एमपीपीएससी प्री देख लीजिए, चाहे आप एडीपीओ का एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम देख लीजिए जो पुराने हुए हैं, और चाहे अगर हम बात करें मेडिकल ऑफिसर्स के, जब से सिलेबस में बदलाव हुआ है तब से यह टॉपिक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का फेवरेट टॉपिक बन गया है। चलिए, तो भारत का संविधान जो है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले जो मैंने आपको डिस्कस किया है वह है यह चीज़ है मध्य प्रदेश का राज्यपाल। आज हम पूरा डिस्कस करें, कल भी हमने कुछ डिस्कस किया था, उसकी रूपरेखा बनाई थी, लेकिन आज हम उसके लिए नए सिरे से चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं भारत के संविधान पर। और भारत के संविधान में जब आप भाग 6 को देखते हो तो भाग 6 के अंतर्गत राज्य दिया गया है, और अध्याय 1 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा राज्यपाल, और इसी के अंतर्गत आपको मंत्री परिषद भी देखने के लिए मिलती है, जो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। चलिए, तो यह अनुच्छेद दिए गए हैं, 152 में परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या कहलाएगा या कौन राज्य होंगे। राज्यों के राज्यपाल के बारे में प्रावधान 153 में, कार्यपालिका शक्ति 154 में, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 पदावधि, 57 में अर्हताएं, 58 में पद के लिए शर्तें, और 59 में शपथ दी गई है, और राष्ट्रपति के लिए शपथ 60 में दी गई है। यह भी आपके लिए आवश्यक है याद रखना। ठीक है, एक एक बिंदु को हम करेंगे। उसके पहले हम वापस चलते हैं, और उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या आपको उसके बाद बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें या देश में बात करें तो जो राज्यपाल की अवधारणा है क्या वह संविधान लागू होने के बाद ही आई है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर, क्यों? क्योंकि आपने अंग्रेजों के गवर्नर का शासन भी देखा है। गवर्नर जब शुरू शुरू में हमारे यहाँ आए 1961 के आसपास जो सिनेरियो शुरू हुआ प्लासी के युद्ध के पश्चात, उसके पहले ही हो गया था, तो आपने देखा कि जैसे बंगाल के गवर्नर नियुक्त हुए, फिर बम्बई के भी हुए, मद्रास के भी हुए, है ना, और यह सब संचालित होते थे कंपनी के एक्ट के द्वारा, कंपनी के रूल्स के द्वारा, या कंपनी के जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग होती थी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उनको यह लोग रिपोर्ट करते थे, और फिर वो जो है वह लंदन में बैठी हुई जो महारानी है उनके लिए रिपोर्ट करते थे। तो इनडायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि इनके पास डायरेक्ट पावर तो नहीं थी। इसके अलावा अगर हम देखें मध्य प्रदेश की दृष्टि से, तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा का अपना अभियान चलाया तो उसने भी यहाँ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात एक अपना प्रांतपति या गवर्नर हम जिसको बोल सकते हैं उसको यहाँ पर नियुक्त किया था। अगर हम बात करें जो अंतिम प्रभावी मुगल शासक था औरंगजेब, तो औरंगजेब के बारे में भी आपको पता है कि इसके 20 सूबे हुआ करते थे पूरे देश में, जितना मालवा का जितना मुगलों का शासन था, और यह सूबे बड़े हुए थे 20 इसके अधिकतम मुगल के काल में आपको देखने के लिए मिलता है कि सबसे अधिक जो सूबे थे वह औरंगजेब के शासन काल में थे। चलिए, तो यह सूबे जो होते थे इनके माध्यम से छोटी छोटी इकाइयों पर शासन करते थे, और फिर यह औरंगजेब को रिपोर्ट करते थे। मतलब एक बात तो क्लियर है कि जो गवर्नर है, इसके अलावा भी जैसे आपने प्राचीन भारत में पढ़ा होगा कि अशोक हमारे उज्जैनी का या उज्जैन का प्रांतपति था, तो यह भी एक प्रकार से गवर्नर के समकक्ष ही इसका क्या था, पद था। ठीक है, चलो, तो हम यह अवधारणा यहाँ पर देख लेते हैं कि जो गवर्नर है उसके लिए या राज्यपाल है उसके लिए आप बोलते हो कि यह नाम मात्र का शासक होता है, लेकिन इसके लिए एक शब्द आप यूज करें कि यह हेड ऑफ द स्टेट होता है। हेड ऑफ द स्टेट मतलब जो राज्य है उसका
जो शासक है वह कौन है, तो वह आज भी राज्यपाल ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, सरकार का जो प्रधान होता है, सरकार का जो शासक होता है सरकार चलाने के लिए, तो वह होता है साथियों आपको पता है मुख्यमंत्री। अगर हम राज्य के संदर्भ में बात करें तो, और अगर राष्ट्र के संदर्भ में बात करें, देश के संदर्भ में बात करें, तो हेड ऑफ द स्टेट हमारे लिए प्रेसिडेंट हो जाता है, राष्ट्रपति हो जाता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे लिए, सरकार हमारे लिए प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब पहुंचते हैं हम डायरेक्ट अपने अध्ययन क्षेत्र की ओर। तो सबसे पहले हम अध्याय दो के शब्दों को अगर ध्यान से देखें तो इसमें कार्यपालिका लिखा हुआ है, मतलब कि राज्यपाल जो है वह आपको किसके संदर्भ में पूछा जा सकता है, कार्यपालिका के संदर्भ में पूछा जा सकता है। कभी कभार फैक्चुअल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन यह आपसे पूछ सकता है कि राज्यपाल इनमें से किसका सदस्य है, क्या विधायिका का सदस्य है, विधायिका का भी सदस्य है अभी हम आपको बताएंगे, और कार्यपालिका का भी सदस्य है, या कार्यपालिका के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो अगले अनुच्छेद में ही आप पढ़ेंगे यह कार्यपालिका का हेड होता है। ठीक है, विधानसभा, अगर हम विधायिका की बात करें तो विधायिका किन से मिलकर के बनी हुई है, हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में लें तो वह बनती है विधानसभा प्लस राज्यपाल से मिलकर के बनती है, क्योंकि विधानसभा जो भी विधि बनाएगी जब तक राज्यपाल उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वह है कानून का जो है फॉर्म नहीं ले सकती, कानून का रूप नहीं ले सकती है। ठीक है, तो राज्यपाल कार्यपालिका के अंतर्गत भी, क्योंकि इसके यह हेड होते हैं। चले अब आते हैं हम अनुच्छेद 153 पर। तो अनुच्छेद 153 प्रावधान करता है कि राज्यों के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 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 सातवें संविधान संशोधन द्वारा, सातवें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और इसके अंतर्गत आपको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश देखने के लिए मिले, तो यहां पर यह प्रावधान भी कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है, क्योंकि कई सारे राज्य जो ऐसे हैं छोटे होते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम बात करें गोवा की, अगर हम बात करें सिक्किम की, तो या छोटे राज्य, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों की, तो इनमें कभी कभार क्या होता है कि दो प्रदेशों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति को बना दिया जाता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर अचानक से किसी राज्यपाल को हटा दिया जाता है या उनका निधन हो जाता है, तो भी पड़ोस के जो राज्यपाल हैं अमूमन उनके लिए दूसरे स्टेट का प्रभारी तुरंत नियुक्त कर दिया जाता है, ताकि उस राज्य की संवैधानिक व्यवस्था चलने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है कि यह प्रावधान बाद में जोड़ा गया है कि जो एक ही व्यक्ति है वह दो या अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। तो अनुच्छेद 154 क्या बोलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राज्यपाल में निहित होगी, और वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यहाँ अधीनस्थ अधिकारी ना तो CM है ना मंत्रिमंडल है ना, उसका जो वह प्रशासन होता है राज्यपाल का, राज्यपाल जो प्रशासनिक अधिकारों को अधिकारियों के माध्यम से या क्या करता है, यह अपना शासन चलाने के लिए स्वतंत्र होता है, वह चला सकता है। ठीक है, हालांकि मैंने जब आप लेक्चर के अंत तक जाओगे तो मैंने आपके लिए हर शक्ति का एक अलग जो टॉपिक वाइज है उसके लिए कराने की कोशिश की है, इसीलिए इस लेक्चर में आपका पूरा राज्यपाल कंप्लीट होगा, यहाँ तक कि राज्यपाल की लिस्टें भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ यह फैक्चुअल डेटा है आपके लिए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह आरक्षक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 155 अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। पदावधि के बारे में संदर्भ बात कर लेते हैं, तो पदावधि कितनी होगी, तो पदावधि होती है 5 वर्ष की, लेकिन आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और यह प्रसाद पर्यंत पद धारण होता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही राज्यपाल
राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार उस पद पर रह पाएगा। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे इस राज्यपाल को हटाना है तो तुरंत वह हटा भी सकता है, चाहे उसके 5 साल हुए हों या नहीं हुए हों। ठीक है, चलिए। और अगर राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह सीधा राष्ट्रपति के लिए सौंप सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र है वह किसे सौंपेगा, मुख्यमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज भी हो सकता है, हालांकि पढ़ने वाले स्टूडेंट्सों के लिए दिक्कत नहीं जाती है। चलो अब हम आगे पहुँचते हैं, और आगे पहुँचने के साथ ही एक लाइन और आप याद रख लेना, कभी कभार यह स्टेटमेंट पर पूछी जाती है कि यदि राज्यपाल का 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो क्या वह तुरंत प्रभाव से अलग हो जाएगा, तो नहीं। अगर अवधि समाप्त भी हो गई है तो भी वह पद पर बना रहेगा, तब तक उसके स्थान पर कोई अन्य राज्यपाल नहीं आ जाता। यह बात आपके लिए क्लियर होगी। यहाँ हमने लगभग 3-4 अनुच्छेद देख लिए हैं। अब हम पहुंचते हैं राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्या क्या है। अर्हताएं, तो अर्हताएं आपको याद रखना है, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण करी लेनी चाहिए। यह एक प्रकार से हलुआ टाइप के क्वेश्चन है, इन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ आपके लिए। यहाँ से अनुच्छेद भी कमाएंगे लेकिन आपको अर्हताएं याद रखनी चाहिए। चलिए अब पद के लिए कुछ शर्तें भी हैं। तो ऐसा है कि राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो, संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो, है ना। राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो लगभग यह माना जाएगा कि राज्यपाल के रूप में उसने अपने पद ग्रहण की तारीख से ही उसे रिक्त कर दिया है, उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से ही रिक्त कर दिया है। मतलब कि उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ना वह MP रह पाएगा, ना MLA रह पाएगा, ना MLC रह पाएगा, है ना। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण ना कर सकता हो, है ना। जैसे कोई प्रशासनिक ये जो लाभ का पद है यह कहीं डिफाइन नहीं है कि लाभ का पद क्या है पूरे संविधान में, लेकिन एक बात याद रखना है कि शासकीय या सरकारी में ना हो, कोई मंत्री ना हो, मुख्यमंत्री ना हो, ऐसे पदों पर ना हो, है ना, सरकार से वेतन ना ले रहा हो, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वह लाभ के पद के अंतर्गत अमूमन गिननी जाती हैं। ठीक है, चलिए। अब ये जो शर्त वगैरह है ये कोई विशेष इतना उनका महत्व नहीं है। अब हम पहुंचते हैं अनुच्छेद 159 पर। तो इसमें शपथ का प्रावधान किया गया है, राज्यपाल की शपथ क्या होगी, कैसे होगी। यहाँ पर आपको विशेष बात एक याद ये रखनी है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ से संबंधित प्रावधान आपको अनुसूची 3 में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, है ना। इनके लिए एक जो जहाँ पर इनका वर्णन है उसी चैप्टर में या उसी भाग में एक आध अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो यह बात आपके लिए याद रखना है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान तो कौन कराएगा, यहाँ पर स्पष्ट लिया गया है कि उच्च न्यायालय, संबंधित राज्य का जो उच्च न्यायालय है का जो मुख्य न्याय मूर्ति है जो चीफ जस्टिस है, या उसकी अनुपस्थिति में न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश, मतलब कि जो सीनियर मोस्ट है, वह क्या करेगा, शपथ दिलाएगा राज्यपाल के लिए। यह प्रारूप है उसका, मैं, यहाँ पर नाम आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं, अगर आपने अपना नाम लिया, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक, है ना, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान हूँ, राज्यपाल, राज्य का नाम, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद का कार्यपालन, ये पूरा जो है करूँगा, अपनी योग्यता से संविधान की विधि, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। तो ये जो लाइन है कभी कभार PSC में पूछी जा सकती है, तो परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की बात जो है वह आपको याद ना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अब पहुँचते हैं हम 160 में, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। तो अनुच्छेद क्या बोलता है, 160 की, राष्ट्रपति ऐसी आकस्मिकता में, ये ऐसी परिस्थितियां जब बनती हैं जिनका वर्णन इस अध्याय में या संविधान में क्या है, उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है, या ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो संविधान में नहीं दी गई हैं, या राज्यपाल का जो कार्य क्षेत्र है उसके संबंध में कहीं अगर मौन है तो फिर राष्ट्रपति क्या बोल सकता है, राष्ट्रपति क्या करेगा, ऐसे जो कर्तव्य हैं उनके अनुबंध कर सकता है। कौन करेगा, तो आपको याद रखना है राज्यपाल स्वयं से नहीं करेगा, राष्ट्रपति करेगा जहां पर अनुबंध ना हो। ठीक है, राज्यपाल के कर्तव्यों से संबंधित। अब हम आगे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, न्यायिक शक्तियों में भी मैंने इसका वर्णन किया हुआ है, अनुच्छेद 161। तो अनुच्छेद 161 क्या बोलता है साथियों, कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार
या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, तो किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है ना, ऐसा नहीं कि किसी भी विषय पर वो अपना वो करेगा, उस राज्य के कार्यपालिका शक्ति का जहां पर विस्तार है। किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति को दंड के लिए क्षमा भी कर सकता है पूर्ण रूप से, उसमें लेट लताब वो भी कर सकता है, प्रलंबन भी कर सकता है, उस पर स्टॉपेज भी लगा सकता है, ब्राम भी कर सकता है और परिहार भी उसका कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है, संविधान खुद बोलता है कि निलंबन कर दी जाएगी, परिहार कर दिया जाएगा या फिर सजा है वह छोटी कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल है वह मृत्यु दंड संबंधित, अगर मृत्यु दंड वगैरह मिला है, मृत्यु दंड मिला है तो उसके विषय में क्या है, निलंबन नहीं कर सकता, लघुकरण नहीं कर सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं। ठीक है, अभी हम न्यायिक शक्तियों में और इसके लिए विशेष रूप से आगे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 162 बोलता है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार क्या है। तो इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यह कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है, यह डायरेक्ट राज्यपाल से जो है वह रिलेट नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ते हैं। अब हम आगे पहुंचते हैं मंत्रिपरिषद में, यहाँ राज्यपाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 163 अनुच्छेद क्या बोलता है, यहाँ कार्यपालक शक्तियों की बात भी हो जाती है, यहाँ विधायी शक्तियों की बात भी राज्यपाल की हो जाती है। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिन बातों में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है, यह चूंकि लॉ की लैंग्वेज है, हालांकि पढ़ें आप, कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे। ठीक है, यहाँ एक शब्द ये भी हो सकता था कि राज्यपाल की शक्तियों को इच्छा अनुसार भी बताया जा सकता था, लेकिन संविधान वालों ने इच्छा अनुसार करने की जगह विवेकानुसार कहा, वह तो सोच समझ कर निर्णय ले। अगर इच्छा अनुसार कर देते तो हो सकता है कि निरंकुशता का भाव भी राज्यपाल के मन में आ सकता था, लेकिन उन्होंने विवेकाधीन, हालांकि विवेक भी ऐसा है कि विवेक को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते राज्यपाल के कि उसने यह जो निर्णय है वह आपने विवेक से लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप बात करें कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल को अपने कृत्यों को प्रयोग करने में सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, चलिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करे, सॉरी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, वह राज्यपाल करता है। जब हम मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद पढ़ेंगे तो उसमें भी एक बार और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये हालांकि 164 बोलता है, कई बार पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, दिखाई ना दे तो मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, हालांकि मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। 164 जो बोलता है कि मुख्यमंत्री जो है वह राज्यपाल, राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। चलिए 163(2) को डिस्कस करते हैं। इसमें यह बोला जाता है कि कोई ऐसे विषय जिस जो जिनका संबंध संविधान में नहीं है, है ना, उनमें राज्यपाल से ही अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, और उसके अनुसार, अगर विवेक के अनुसार वह काम करता है तो उसका निश्चय जो होता है वह अंतिम होगा, और अगर राज्यपाल द्वारा कोई निर्णय गलत भी ले लिया गया है, सही भी ले लिया गया है, तो उस पर विधि मान्यता के प्रश्न नहीं लगाए जाएंगे कि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं किया, या उसमें विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, उस पर बहस नहीं हो सकती, उस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है न्यायालय में। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसका एक उदाहरण देख लीजिए कि अभी जब हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की आई, फिर कांग्रेस, समाजवादी, सॉरी शिवसेना और एनसीपी वगैरह थे। तो रातों रात क्या हुआ कि अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री, है ना, डिप्टी सीएम बना दिए गए, और जो है फडणवीस जी सुबह सुबह मुख्यमंत्री बना दिए गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ राज्यपाल को विवेक के अनुसार लगा होगा कि इन दोनों के पास क्या है, बहुमत है, ये सिद्ध कर सकते हैं भविष्य में, तो इसलिए उसने क्या किया, मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि शाम तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर बाद में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो यहाँ राज्यपाल पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता कि उसने अपने विवेक के अनुसार कार्य किया था या नहीं किया था।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यह जो पार्ट है यह हम मंत्रिपरिषद में करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है 15% का भी प्रावधान बाद में जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन में, ठीक है। और जो है ये आपको यहाँ दिया भी गया है, तो ये भी जो है हम मंत्रिपरिषद में इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम विधायी शक्तियों की बात कर लेते हैं, हालांकि हम आगे भी करेंगे, और कार्यपालक शक्ति भी इसमें आ जाएगी। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य है? देखो, प्रशासन के संबंध में राज्यपाल जब भी और विधान विषयक संबंधी जब भी राज्यपाल को लगेगा कि हमें कोई जानकारी जो है वह मंत्रिपरिषद से लेनी चाहिए या मुख्यमंत्री से लेनी चाहिए, तो वह स्वतंत्र है, वह जानकारी ले सकता है। या फिर समय समय पर क्या होना चाहिए कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद है या मुख्यमंत्री है, वह राज्य कैसे चल रहा है, उसका प्रशासन कैसे चल रहा है, उसकी जानकारी राज्यपाल को देना आवश्यक होता है, ठीक है, देते भी रहते हैं। अब क्या है कि राज्य के कार्यों प्रशासन संबंधी जो हम बात किए हैं, अगर राज्यपाल मांगता है तो भी यह चीज क्या है कि मंत्रिपरिषद को जानकारी उपलब्ध करानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरी चीज महत्वपूर्ण है, यदि किसी विषय पर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, निश्चय किया है, किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें, है ना। तो क्या है कि जैसे मान के चलो मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, कैबिनेट ने कोई विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल बोल सकता है कि भैया मंत्रिपरिषद के पास पहले जाइए, है ना, और फिर सामूहिक निर्णय लीजिए, उसके बाद अपन इस पर आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कार्यपालक शक्तियों की ऊपर बात कर लेते हैं। 166, जब भी आप डिप्टी कलेक्टर, SDM, कुछ भी बनेंगे, तब क्या है कि आपकी नियुक्ति वगैरह या आपका जो पूरा प्रोसेस है वह एक प्रकार से राज्यपाल के अधीन ही रहेगा। राज्यपाल के आदेश पर ही नियुक्ति, राज्यपाल के आदेश पर निलंबन, राज्यपाल के आदेश पर जो है जो स्थानांतरण है वगैरह, वो कार्य किए जाते हैं। देखो ऐसा है कि कोई भी जो कार्यपालिका से संबंधित कार्रवाई हो रही है वह राज्यपाल के नाम से होगी, ठीक है। राज्यपाल क्योंकि वह हेड ऑफ द स्टेट है, वह राज्य की कार्यपालिका का क्या है, मुखिया है। दूसरा पॉइंट भी आप देख लो, राज्यपाल के नाम से किए गए निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों से विनिष्ठ की जाएंगी, ठीक है। तो एक बात याद रखना है कि राज्य की कार्यपालिका से संबंधित जितने भी निर्णय होंगे वह राज्यपाल के ही माने जाते हैं, भली वह सरकार ने लिए हैं या नहीं, ठीक है। चलिए तो यह बात आपके लिए याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात आपको याद रखना है कि जब भी शपथ वगैरह होती है, जैसे मान के चलो मुख्यमंत्री ने शपथ ली, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई, उसके साथ 5-6 मंत्रियों को भी शपथ दिला दी जाती है, तो कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहा है, लेकिन कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री अगर शपथ लेते हैं तो वह विभाग का नाम नहीं लेते हैं अपनी शपथ में, वह हमेशा बोलेंगे कि मैं राज्य के मंत्री के रूप में या कैबिनेट मंत्री के रूप में या राज्य मंत्री के रूप में या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ले रहा हूँ। फिर बाद में जो है वह विभागीकरण किया जाता है, बाद में विभाग सौंपे जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी विभाग परिवर्तित होता है तो फिर मंत्रियों की शपथ पुनः नहीं होती है। मंत्रियों की शपथ तो एक बार हो गई है ना, विभाग तो उनके बदलते रहते हैं, है ना। तो एक बात आपको यह याद रखना है, थोड़ा सा प्रश्नगत आप महत्वपूर्ण हो सकते हो इसमें। चलिए तो यह जो चीजें हैं वह मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ हम अनुच्छेद 174 पर पहुंचते हैं। ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण है यहाँ पर। एक है सत्र को बुलाना, दूसरा है सत्र का अवसान करना, और तीसरा है विधानसभा का विघटन करना, ठीक है। तो राज्यपाल जो है वह क्या करता है कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ष में जब भी विधानसभा का पहला सत्र होगा उसमें उसका संबोधन होता है, जिसे अभिभाषण बोला जाता है। जब भी नई विधानसभा का गठन होगा तो वह सबसे पहले विधानसभा को संबोधित करेगा, ठीक है। और अगर राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा को
भंग कर देना चाहिए, विघटन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, तो वह भी वह कर सकता है। ठीक है। अब इसके हालांकि इसमें प्रावधान दिए गए कि मंत्रिपरिषद की सलाह होगी, उसको मानेगा नहीं मानेगा, ये सब चीजें जो है वह आपको इसमें दी गई। चलिए आगे इसको पढ़ते 174 आपको याद करना है कि राज्यपाल समय समय पर सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। पहले तो बुलाएगा, जैसे मान के चलो अभी बजट सत्र हुआ तो राज्यपाल ने क्या किया, सत्र को आहूत किया। ठीक है। फिर राज्यपाल ने जब सत्र कंप्लीट हो गया तो उसका अवसान कर दिया, और फिर अगर राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा ठीक काम नहीं कर रही है, सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, तो वह विधानसभा को विघटित कर सकता है, उसको भंग कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आपको याद रखना है, स्थगन। देखो विधानसभा स्थगित होती है बीच बीच में, आपने सुना होगा कि लोकसभा या विधानसभा स्थगित हो गई 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो वह करता है विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है। उसका राज्यपाल से लेना देना नहीं है। अगर कंडीशन में आ जाए कि क्या राज्यपाल विधानसभा को स्थगित करता है, तो नहीं, विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर। हाँ, राज्यपाल विघटन कर सकता है, खत्म कर सकता है, यह आपके लिए याद रखना है। ठीक है, जो सत्र चल रहा है उसके लिए। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वह है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल जो है यह मैं आपके लिए बता चुका हूं कि साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में जो है उसके लिए क्या करेगा, वह संबोधित करेगा, जिसको अभिभाषण बोला जाता है। ठीक है। चलो अब जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं विधेयकों की अनुमति पर हम चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 200 बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार इस पर विवाद भी हो जाते हैं। देखो विधेयकों की अनुमति पर, जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा, अपने यहाँ तो विधानसभा है तो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, तो वह राज्यपाल के समक्ष जाएगा और राज्यपाल उस पर अनुमति देगा या अनुमति रोकता है या अनुमति के लिए आरक्षित करता है। 3 सिचुएशंस यहाँ पर बताएंगे। देखो अगर उसने कोई विधेयक मध्य प्रदेश की विधानसभा ने पारित किया और राज्यपाल के लिए भेज दिया और उसने तुरंत अनुमति दे दी, तो वह विधि बन गया, कानून बन गया। ठीक है। अब राज्यपाल ने क्या किया कि उसको रोक लिया और रख लिया, तो फिर विधानसभा वह कानून नहीं बन पाई, जो विधानसभा से विधेयक पारित हुआ था वह कानून नहीं बन पाया। राज्यपाल को लगता है कि यह विषय जो है मुझे राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए, तो वह राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। अब इसमें कुछ और सिचुएशंस भी है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखो ये जो है एक बात याद रखना कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल है वह धन विधेयक को नहीं रोक सकता। पहली बात तो धन विधेयक को इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत होता है, तो धन विधेयक जब कानून बनने के लिए उसमें जो प्रावधान आएंगे तो वो फिर उसके लिए क्या कर देता है, मान्यता दे देता है। ठीक है। चलो एक अब मान के चलो कोई विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचा है या कोई जो विधानसभा ने जो विधि बनाई है वह राज्यपाल के पास पहुंची है और राज्यपाल को लगता है कि इसमें क्या है कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो वह हो सकता है कि उसको लौटा दे। लेकिन यदि विधानसभा ने पुनः उसी विधेयक के लिए वापस भेज दिया तो फिर राज्यपाल को उस पर स्वीकारता देनी पड़ती है ना, फिर वह जो है उसको उसको विधि बनाने के लिए अपने साइन करने पड़ते हैं। ठीक है। चल नेक्स्ट चलते हैं। अब मान के चलो कुछ ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो कि राज्यपाल को लगता है कि किसी विधेयक में विधानसभा ने हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर दिया है ना, या जो न्यायालय जो है वह कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि उससे विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो उनके लिए, उन विधेयकों के लिए वह राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, वह आरक्षित कर देगा। ठीक है। संविधान में यह कहीं भी वर्णित नहीं है कि राज्यपाल कौन से विधेयक को, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ करके, ठीक है, वित्त जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को छोड़ करके जो है उसको छोड़ करके किसी भी विधेयक को वह आरक्षित कर सकता है, उस पर अपनी अनुमति देना चाहे तो दे सकता है, ना देना चाहे तो नहीं दे सकता है। ठीक है। वह चाहे तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी कर सकता है, ऐसा नहीं है,
किसी भी विधेयक को है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है ना। तो फिर जब राष्ट्रपति उसको परमिट देगा तो वह क्या कर सकता है, उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। ठीक, तो ये चीजें जो हैं इसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हालांकि यह चीजें जो हैं क्या कम ही होती हैं, कम ही चर्चा का विषय रहती हैं। हालांकि कभी कभार ऐसे जो निर्णय हैं वो देखे जाते हैं, इसलिए आपको पॉलिटी का करंट अफेयर्स भी कभी कभार पढ़ते रहना चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 202 में, तो यह बजट के बारे में है। वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदनों समक्ष उस राज्य की वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों आय व्यय का विवरण रखवाएगा। इस भाग में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ठीक है, तो राज्यपाल क्या करता है बजट के लिए कहाँ पर रखवाता है, सदन में रखवाता है। ठीक, चलो अब ये जो प्रावधान है ये महत्वपूर्ण है। राज्य की संचित निधि, एक प्रकार से मान के चलो कि वह राज्यपाल के अंतर्गत ही रहती है। आकस्मिक निधि मान के चलो, वह भी आकस्मिक निधि जो होती है वह राज्यपाल के संरक्षण में ही रहती है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं और विधायी शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। विधायी शक्तियों में आपको पता है कि अध्यादेश, राज्यपाल के पास अध्यादेश लागू करने की शक्ति होती है। कब होती है? अनुच्छेद 213 इसको बताता है कि यदि कोई सदन क्या है नहीं चल रहा है, सदन जो है वह क्या ना हो, सत्र में ना हो। ठीक है, जब सदन सत्र में नहीं होता है और कोई आवश्यक कार्य उस पर कानून बनाना पड़ता है, बिल्कुल कानून जैसी उसकी मान्यता होती है, तो फिर राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना, कुछ परिस्थितियां भी हैं। कौन सी परिस्थितियां हैं? ये परिस्थितियां दी गई हैं, यह MPPSC की दृष्टि से हो सकता है कि कभी कभार सिचुएशन में आ जाए, लेकिन आपके लोकल एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, कैसे कैसे उपबंध हैं? वैसे ही उपबंध, अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को विधानमंडल में पुनर्स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अपेक्षा संविधान के अधीन होती है। ठीक है, ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता है। ठीक है, ऐसे विधेयक अगर अपन बाल के जो अविधिमान्य हो चुके हैं, है ना, राष्ट्रपति के लिए विधानमंडल का अधिनियम संविधान के अंतर्गत अविधिमान्य होता है जब तक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे गए उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती। मतलब कि जो राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए विधेयक भेज दिया था और राष्ट्रपति ने उस पर स्वीकृति नहीं दी है, तो राज्यपाल भी उस पर स्वीकृति नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलिए अब जो कुछ परिस्थितियां हैं, तो वो परिस्थितियां यहाँ पर दी गई हैं कि विधेयक कब कानून बनेगा, कैसे कानून बनेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अगर मान के चलो उसने जो है अनुमति दे दी है तो वह क्या होता है, विधि बन जाता है। अध्यादेश के संदर्भ में अध्यादेश जो है सदन में रखवाया जाएगा 6 महीने के अंतर्गत, और उसको कानून बनाने के लिए दोनों सदनों से मान्यता लेनी पड़ेगी। यदि विधेयक के लिए सदन ने मान्यता नहीं दी है तो वह फिर कानून नहीं कहलाएगा, वह शून्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो यह चीजें जो है यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपके लिए याद रखना है कि यदि समवर्ती सूची में कोई विषय है और संसद उस पर अधिनियम बना चुकी है या संसद का अधिनियम आ गया है, तो फिर संसद का जो कानून है वह लागू किया जाएगा। ठीक है, तो यह काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक, अब जो है आपको जो शक्तियां हैं विधायी शक्तियों में आप देख सकते हो कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा भी राज्यपाल करेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 356 के अंतर्गत। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में क्या करेगा? किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, ठीक है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा कि राज्य की परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ठीक है, यह काफी आपको महत्वपूर्ण है, यह आपको याद रखना। अब हम बारी बारी से देख लेते हैं कि राज्यपाल की जो कार्यपालक शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। हालांकि हमने इनको विभिन्न अनुच्छेदों में पढ़ा है, लेकिन आपके लिए अगर मेन सेंस में लिखने के लिए आ जाए कि राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए, तो यह पैरा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। राज्य की शक्तियां और कार्य में राज्य का प्रधान होता है, यह हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल हमने दूसरा ही अनुच्छेद आज का पढ़ा था। ठीक है, डीडी बसु क्या बोलते हैं, आचार्य डीडी बसु, कि राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीति, सैनिक और आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर। तो तीन चीजों को छोड़ दिया जाए डीडी बसु के अनुसार, बाकी राज्यपाल के पास राष्ट्रपति जैसी ही शक्तियां हैं।
अनुच्छेद 154 क्या बोलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। यह वर्णन भी मैं आपके लिए कर चुका हूं कंप्लीट। ठीक है, फिर 164 क्या बोलता है, तो 164 बोलता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्रियों की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, फिर उनको शपथ भी दिलवाएगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का जो मंत्री है, राज्य का जो प्रत्येक मंत्री है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है, करता है। यदि राज्यपाल बोल दे किसी मंत्री से कि भैया त्याग पत्र दो या तुम्हें हटाना है, वो हटा भी सकता है। ठीक है, चलो ये भी आपको याद रखना है। अब हम पहुंचते हैं अनुच्छेद 167 पर, काफी महत्वपूर्ण कार्यपालिक शक्तियों में क्या क्या काम कर सकता है। तो जानकारी मांग सकता है, ठीक है, यह काफी महत्वपूर्ण है। कोई मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो वह बोल सकता है कि मंत्रिपरिषद इस पर पुनर्विचार करे। और क्या करेगा, तो राज्य के उच्च अधिकारियों की, महाधिवक्ता की, राज्य के लोक सेवा आयोग MPPSC की, उनके सदस्यों की, राज्य के निर्वाचन आयोग की, अन्य आयोगों के सदस्यों की, विश्वविद्यालय में जो है कुलपतियों की या उप कुलपति लिखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ 22 चांसलर पढ़े। मध्य प्रदेश में एक्चुअली में इसके लिए कुल गुरु शब्द आ चुका है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि राज्यपाल है वह कुलाधिपति कहलाता है, कुलाधिपति बॉस तो यही होगा राज्यपाल, लेकिन वह अपना प्रशासन जो है उप कुलपति यहाँ लिखा है, लेकिन हम 22 चांसलर पढ़ेंगे, कुलपति भी जो होते हैं वो भी, तो यह जो होते हैं इनके नियुक्ति करता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना शासन विश्वविद्यालय में चलाता है। ठीक है, अब जैसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है, जिला न्यायाधीशों में नियुक्ति होनी है, तो उसके बारे में वह राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। अब कार्यपालक शक्तियों में 356 भी आपके लिए याद रखना है, मैंने वहां बधाई बोल दिया था, क्षमा कर, कोई दिक्कत नहीं है, कार्यपालक शक्ति में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो, है ना। तो कार्यपालक शक्ति में यह है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। ठीक, केंद्र, अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यह राज्य का शासन चलाता है। ठीक है, दूसरी लाइन काफी महत्वपूर्ण है, राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार है, संवर्ती सूची के अधिकारों में भी उसका अधिकार है जब तक संसद ने कोई कानून उस संदर्भ में ना बनाया, सिर्फ राज्य ने बनाया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर केंद्र सरकार या संसद बना चुकी है तो फिर उस पर जो है उस विषय पर केंद्र सरकार द्वारा या राज्य संसद द्वारा बनाए गए क्या कानून का प्रभाव हो जाता है। ठीक है, अब ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं, किसकी नियुक्ति करेगा क्यों नहीं करेगा, तो एंग्लो इंडियन वाला जो समुदाय है उसकी नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं होती है, लोकसभा में तो नहीं होती है। ठीक है, और जो है विधान परिषद अगर कहीं कहीं है तो फिर मनोनीत सदस्य भी कर सकता है, जैसे राष्ट्रपति करता है उसी प्रकार से राज्यपाल भी विधान परिषदों में नियुक्ति कर सकता है। अब आते हैं हम विधायी शक्तियों की ओर, तो विधायी शक्ति क्या है, कानूनी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है। ठीक है, हमने आपको समझा दिया है कि सत्र बुला सकता है, उसका अवसान कर सकता है, है ना, और बुलाएगा कैसा, तो 6 महीनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए अधिवेशन के बीच में, 2 अधिवेशनों के बीच में, इसलिए जो है 3 सेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं, हालांकि 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए 1 साल। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम अभिभाषण की ओर, तो अभिभाषण भी मैं आपके लिए क्या है बता चुका हूं। ठीक है, यह प्रत्येक वर्ष जो प्रथम सत्र होता है उसमें सदन को संबोधित करेगा, और जब विधानसभा का गठन होगा निर्वाचन के बाद तब भी जो है विधानसभा को संबोधित करेगा, दोनों सदनों को संबोधित करेगा। चलिए, यहाँ जो है यह पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, यह पार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी काफी लंबे समय से। ठीक है, और यह पार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यह काफी और सरल भाषा में इसके लिए दिखा दिया है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में जो अंतर्गत है, एक फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। और कब नहीं होगा, तो जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो, तब क्या होता है कि यह कानून के रूप में अध्यादेश लाया जा सकता है, उसकी पावर कानून के बराबर की होती है। ठीक है, अब तो जो चीजें हैं वह मैंने आपके लिए यहाँ पर डिस्कस कर दी है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इनको एक बार आपको पढ़ लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझाने की दृष्टि से मैंने आपके लिए समझा दिया है। वित्तीय शक्तियों पर आते हैं, वित्तीय शक्ति काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसके लिए भी हमने देखा है कि बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है कौन, राज्यपाल, अनुच्छेद 202 के द्वारा। ठीक है,
राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा में आता है, इसीलिए राज्यपाल विधान धन विधेयक को वापस से जब पहुंचता है तो उसके लिए रोक नहीं पाता है। ठीक है, राज्य की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है, तो राज्यपाल का नियंत्रण होता है, यह बात आपके लिए याद रखना है। ठीक है, अब जैसे MPPSC हो गई या अन्य कोई आयोग हो गए तो उनकी वार्षिक रिपोर्ट आय व्यय महालेखा परीक्षक से उनका क्या कर सकता है, रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है और विभिन्न आयोगों के जो रिपोर्ट है उनको विधानमंडल में रखवा सकता है। न्यायिक शक्तियां हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार और आप पढ़ लो, 161 के तहत राज्यपाल उन विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध जिन पर राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार है, ये पूरा का पूरा अनुच्छेद जो है यह अपन एक बार और पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपके लिए याद रखना है कि दंडादेश के निलंबन लघुकरण की शक्ति है, विराम करने की शक्ति है, प्रविलंब करने की शक्ति है, दंड को क्षमा करने की शक्ति है, यह राज्यपाल के पास है, लेकिन राज्यपाल के पास मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार नहीं है और ना ही संघ सूची के विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराध को, संघ सूची से संबंधित जो विषय है अगर उनमें कोई कानून दंडित करता है तो राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को सजा से मुक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, चल अब एक चीज और है, अब यदि सेना न्यायालय ने कोई दंड दिया है तो उसके लिए भी दंडादेश से समान नहीं कर सकता है। ठीक, चल यहाँ पर जो राष्ट्रपति से संबंधित चीजें दी गई हैं तो मृत्यु दंड, संघ सूची और फिर सेना न्यायालय, सबको क्षमा करने का अधिकार जो है वह किसके पास है, वह आपको राष्ट्रपति के पास देखने के लिए मिलता है। एक फैक्ट और आपको याद रखना है, निर्वाचन आयोग की राय से विधानसभा विधानमंडल के सदस्यों की डिसक्वालिफिकेशन, निर्हरता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, तो वह राज्यपाल करता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 152 देता है। अभी राहुल गांधी जी वाला मुद्दा काफी भयावह तरीके से चल रहा है, इसलिए यह भी आपके लिए याद रखना है। ठीक है, यहाँ से MPPSC क्वेश्चन बना सकती है। ठीक, उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति और प्रोन्नति आदि के लिए किससे परामर्श करता है, उच्च न्यायालय से परामर्श करता है, मतलब उच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होगा उससे परामर्श करता है। यह 5-6 फैक्ट आपको याद रखने। आगे बढ़ते हैं विवेकीय शक्तियों के अंतर्गत। विवेकीय शक्तियां असीमित होती है। ठीक है, राज्यपाल फ्री हैंड है, कुछ भी कर सकता है और उस पर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि विवेकाधीन जो शब्द है वह कहीं पर भी क्या है, इतना ही लिखा है कि विवेकी शक्तियां विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा, लेकिन परिभाषित। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स जो है, ये अनुच्छेद 163 क्या बोलता है कि राज्यपाल जो है वह मंत्रिपरिषद की सलाह परामर्श के काम करेगा और नहीं भी करेगा। ऐसा भी है कि मुख्यमंत्री की सलाह उसको मिल गई, दूसरे शब्दों में वह कुछ कार्य जो है मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी करता है। ठीक है, जो उसकी विवेक की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, विवेक की शक्तियों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। देखो, जहाँ विवेक की शक्तियों पर संविधान ने क्या किया हुआ है, अपना विचार रखा हुआ है और कुछ पर नहीं रखा है, तो कुछ जो विवेक की शक्तियाँ जो फिर ये क्या हो जाती हैं, असीमित हो जाती हैं, इनको राज्यपाल जो है इनका उपयोग करके कुछ भी कर सकता है। ठीक है, फिर भी देखते हैं अपन क्या क्या कर सकता है। तो विवेक की शक्तियों में ये तो 56 भी आ सकता है। ठीक है, अगर मान के चलो राज्य विधानमंडल के पास क्या है, स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो वह किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। किसी भी व्यक्ति, मान के चलो मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव, किसी को बहुमत नहीं आया। ठीक, राज्यपाल को लगता है कि जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है उसको मुख्यमंत्री बनाना है, बशर्ते उसकी आयु क्या हो, 25 साल या विधानसभा सदस्य बनने लायक हो गई, उसके लिए मुख्यमंत्री बना दे। 6 महीने तक तो रह ही सकता है, क्यों, 6 महीने के अंतर्गत बहुमत सिद्ध करना, मुख्यमंत्री तो ऐसा है बेटा कोई भी बन सकता है। ठीक, चलो फिर भी विवेकाधीन शक्तियों को अपन एक बार और पढ़ लेते हैं कि विवेकाधीन शक्तियां जो है वह कैसी कैसी काम में लाई जा सकती है। तो विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आप 356 के मामले में अगर विफलता आ गई है तो वो विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरी बात, अगर मान के चलो कि राज्यपाल ने CM से बोला और मंत्रिपरिषद से बोला कि भाई साहब बहुमत सिद्ध करो, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर जो है राज्यपाल विधानसभा को बर्खास्त कर सकता है, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, सबके पद च्युत कर सकता है, सभी से पद छीन सकता है।
ठीक है, विधानसभा के अधिवेशन बुला सकता है अगर किसी को भी क्या है अनुच्छेद, किसी को भी क्या है वो नहीं मिला है, बहुमत नहीं मिला है, तो वह किसी एक दल से बहुमत साबित करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, अब मान के चलो कोई जो, जैसे मान के चलो कोई मंत्री है उस पर कोई आरोप लगे और माहौल बन रहा है कि उस पर FIR होनी चाहिए, राज्यपाल को विवेकानुसार लगता है कि हाँ भाई साहब को निपटा दो, तो फिर वो राज्यपाल क्या कर सकता है, संबंधित मंत्री पर FIR के निर्देश भी दे सकता है, यह भी उसकी विवेक की शक्तियों में गिना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब जो है राज्यपाल ने जो विवेकीय शक्तियों के अंतर्गत कोई प्रश्न कोई जो निर्णय लिया है, ठीक है, उसके लिए इस बात से विधि मान्यता से इनकार नहीं किया जाएगा कि उसने विवेक से निर्णय लिया है नहीं लिया। अगर उसने बोल दिया कि ये मैंने विवेक अपने विवेक के अनुसार निर्णय लिया, तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, होता है बाद में फिर जो प्रोसेस चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको आप क्या नहीं कर सकते हो, चैलेंज नहीं कर सकते हो कि आपने अपने मन से डिसीजन लिया है, आपने विवेकाधीन नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि संविधान में इच्छा अनुसार शब्द की जगह विवेकी शक्तियों का प्रयोग किया, विवेकाधीन शब्द का प्रयोग संभवतः इसलिए किया है क्योंकि क्योंकि राज्यपाल निरंकुश ना हो पाए। तो ये जो कुछ संबंधित प्रावधान थे वह हमने किससे संबंधित पढ़े हैं, राज्यपाल से संबंधित पढ़े हैं, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, ये मोटा माटी यहाँ से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम पहुँचते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपालों की ओर। ठीक है, तो राज्यपाल मध्य प्रदेश के कौन कौन हैं यहाँ हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित ये लिस्ट है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे डायरेक्ट कहाँ से, प्रथम से, और मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिस्कस यहाँ पर नहीं करूँगा, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं मैं सिर्फ उनके लिए अंडरलाइन करता जाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न डायरेक्ट आएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो पट्टा भी सीतारामैया साहब हैं उन्होंने जन्मभूमि का प्रकाशन किया है। यार आपसे मुश्किलें पूछा जाए, अगर बिल्कुल ही लोक सेवा आयोग क्या चाहती है कि वो पोतना चाहती है पेपर को, तो निश्चित रूप से ही वो आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि कब किया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यह कौन सी पार्टी से जुड़े थे, तो कांग्रेस से जुड़े थे। ठीक है, चलो दूसरी चीज आपको याद रखना है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे, काफी महत्वपूर्ण है। कब? जयपुर अधिवेशन में, और 1948 से 50 तक यह क्या रहे, INC के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, JPV समिति में भी ये रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे, यह क्वेश्चन MPPSC ने कई बार पूछा है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रहे, इसके अलावा आपको याद रखना है कि पुराने मध्य प्रदेश 1952 के भी राज्यपाल रहे, CPN बरारवाला भी हिस्सा था उसके भी। ठीक है, चलिए अब आपके लिए दो तीन चीजें और याद रखनी है, इनकी किताबें है ना, तो इनकी किताबों में आपके लिए तीन चार बुक्स जो हैं, हालांकि सभी कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप नेशनल एजुकेशन 1912 कर लोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, गांधी गादिज्म एंड सोशलिज्म कर लोगे, हिंदू होम रीडिस्कवर्ड इन 1936-37 कर लोगे, भाई वोट कांग्रेस कर लोगे, और 60 ईयर्स ऑफ कांग्रेस कर लोगे, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस वॉल्यूम 2 कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ आपको याद रखनी है। हैदराबाद में इनका निधन हुआ था, हालांकि नहीं पूछा जाएगा। अब पहुंचते हैं हम दूसरे, जो हरिविनायक पाटसकर थे, जो मध्य प्रदेश के सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड कायम किया जिन्होंने, तो 7 वर्ष तक रहे। ठीक, तो 7 वर्ष तक भाई साहब रहे, तेज तर्रार थे है ना, संविधान सभा के सदस्य रहे, ये भी आपको याद रखना है। इनके समय की एक घटना याद रखना है, हिंदू कोड बिल। तो हिंदू कोड बिल आया था जब यह केंद्रीय विधि मंत्री हुआ करते थे, यह PDF आपके लिए पेड कोर्सेज में मिल जाएगी हमारे। ठीक है, इसके अलावा जो है यह टेलीग्राम पर भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट जो है इनका आपको याद रखना है, एक संस्मरण, पद्म विभूषण की जो उपाधि है भी रख सकते हो। हुआ क्या, जब पद्म श्री हरि विनायक पाटसकर साहब मध्य प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे, हालांकि इनसे संबंधित एक चीज और याद रखना आपको, यह पूना से संबंधित है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण। तो जवाहरलाल नेहरू जी एक कार्यक्रम में कहाँ आए, एक कार्यक्रम में भोपाल पधारे। भोपाल की बेगम ने कहा कि नेहरू जी आप हमारे भवन में रुकिएगा, हम आपकी खातरदारी करना चाहते हैं। हरि विनायक पाटसकर जी को यह चीज ठीक नहीं लगी, क्योंकि नेहरू जी का जो दौरा था वह सरकारी दौरा था, उनको कायदे से राजभवन में रुकना चाहिए था। तो यही बात पाटसकर जी ने किससे बोल दी, नेहरू जी से बोल दी कि साहब मैं राज्यपाल भली हूँ, आप PM भले, लेकिन आपका सरकारी दौरा है, आपको रुकना कहाँ चाहिए, आप रुकेंगे कहाँ, आप रुकेंगे राजभवन। ठीक है,
तो नेहरू जी ने फिर उनकी बात मानी, राजभवन में रुके। एक संस्मरण और है, नेहरू जी 555 सिगरेट पिया करते थे, ठीक है। तो 555 सिगरेट नेहरू जी को पीनी थी, खाने खाने के बाद उनको सिगरेट पीने की आदत थी। लेकिन वो जो सिगरेट है वह भोपाल में अवेलेबल नहीं थी। अब राजभवन के कर्मचारियों को रकम मच गया कि नेहरू जी को तो सिगरेट पीने की आदत है, तो फिर उन्होंने इंदौर में पता किया। तो इत्तेफाक से वो इंदौर में जो है सिगरेट की डिब्बी मिल गई। तो 555 लेने के लिए फिर हमारा मध्य प्रदेश का सरकारी प्लान उड़ा, कहाँ गया, इंदौर। इंदौर से एक डिब्बी लाया और फिर वो नेहरू जी को दी गई। हालांकि मुझे लगता है कि अगर नेहरू जी को पता होता कि 555 सिगरेट भोपाल में नहीं है, तो बड़े नेता थे, वो बोल देते कि चला यार नहीं है तो नहीं पियेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन बात है, निकलती है, बड़े नेता जो होते हैं तो उनसे उनको खुश रखने के लिए प्रशासन कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना है कि कैलाशनाथ काटजू, भगवंतराव मंडलोई, द्वारका प्रसाद जो मिश्रा हैं, उनके शासनकाल के समय राज्यपाल कौन थे, तो माननीय हरिविनायक पाटसकर जी थे, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे केसी रेड्डी साहब में। केसी रेड्डी साहब दो बार रहे, ठीक है, दो बार कैसे रहे उनकी भी एक कहानी। केसी रेड्डी साहब जब पहली बार मुख्यमंत्री राज्यपाल बने तो 11 फरवरी 1965 से बने, 2 फरवरी 1966 तक, फिर बने 10 फरवरी 1966 से 7 मार्च 1971 तक। देखो 8 दिनों के लिए यहाँ चले गए छुट्टी पर। कारण क्या था, मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र था, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सत्र को करना था इनको हिंदी में संबोधित। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राजभवन बोलती है, ठीक है, राजभवन का ये डेटा है। हालांकि मेरा भी इस पर प्रश्न चल रहा था कि प्रत्येक वर्ष इन्होंने क्या किया होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष भी क्या है जो है एक बार तो आनी पड़ता है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया उसके बाद, लेकिन जो ये चीज है, पहली दफा इनको हिंदी में बोलना था फर्स्ट इस कार्यकाल के दौरान। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया साहब, और दीक्षित जी को क्या कर दिया, एक्टिंग गवर्नर नियुक्त कर दिया कि हमें हिंदी में ना बोलना पड़े, ठीक है। तो इनसे जुड़ी हुई एक कहानी ये भी प्राप्त होती है केसी रेड्डी साहब। मध्य प्रदेश में बहुत खतरनाक कहानियां हैं, मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड भी कई खतरनाक कहानियां हैं, लेकिन हमारे लिए उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न ही पढ़ने पड़ते। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो चयन उपरांत आप पढ़ना किसने क्या क्या कर्म और कांड किए। केसी रेड्डी साहब जनवाणी के संपादक थे, मैसूर राज्य, तब तक कर्नाटक का गठन नहीं हुआ, तब मैसूर राज्य के क्या रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, ये भी आपको याद रखना है। संविधान सभा के सदस्य रहे, नव गठित राज्यसभा जब 1952 बनी उसके सदस्य रहे, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक सदस्य रहे, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें आपको महत्वपूर्ण है, जो चीजें आपके लिए एग्जाम में आ सकती है। अब पहुंचते हैं हम कहां, तो अब पहुंचते हैं तीसरे राज्यपाल की ओर। तीसरे राज्यपाल साहब हैं हमारे, वो हैं चौथे पीबी दीक्षित साहब, एक्टिंग थे, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना है कि यह ग्वालियर उच्च न्यायालय में 1944 से 1948 तक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। मध्य भारत उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रधान भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, पता ही नहीं है हमारे लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिर मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, यह मैंने आपको लिखा हुआ है। चलिए अब पहुंचते हैं हम सत्यनारायण सिंह पर, एस एन सन्हा, इनसे MPPSC को ज्यादा लगाव है, लगातार 2 बार क्वेश्चन इनसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, एस एन सन्हा बिहार से आते थे, सत्यनारायण सन्हा, ठीक है, सत्यनारायण सिंह भी नाम मिलता है, सत्यनारायण सन्हा भी नाम मिलता है, तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस पर आपत्ति भी काफी लगी थी। आपको याद रखना है बिहार से आते हैं, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यह संसदीय कार्य मंत्री रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, और मार्च 1967 से कुछ समय के पश्चात बिना विभाग के मंत्री, मंत्री तो थे, ठीक है, मंत्रालय है लेकिन विभाग ही नहीं, ऐसा भी इनके साथ। अब आते हैं अपन मध्य प्रदेश में इनके राज्यपाल के कार्यकाल की ओर। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हिरेन मुखर्जी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ पार्लियामेंट में SN साहब को हिज हाइनेस मिस्टर फ्रेग्रेंस कहा हुआ है, हिज हाइनेस मिस्टर फ्रेग्रेंस कहा हुआ है, किस राज्यपाल को कहा है वो आपके लिए याद रखना है कि SN सन्हा साहब के लिए कहा गया है। अब बोलते हैं, अब आगे चलते हैं निरंजन नाथ बांचू जी, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के ही थे,
मध्य प्रदेश के सतना जिले में, लेकिन शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई, ठीक है, फिर कैम्ब्रिज में भी यह पहुंचे और फिर 1934 में आईएएस बीए बने, ठीक है। तो प्रशासन की दृष्टि से थे, कई कम लोगों से मिलते थे, ठीक है, बहुत ही कम मुलाकात करते थे, ठीक है। एक बात, दूसरी बात याद रखना है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के सदस्य भी रह चुके थे, वित्त मंत्रालय में सचिव भी रहे थे, कई सारी अन्य प्रशासन से संबंधित कई सारी जो पद हैं वह इन्होंने संभाले, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। अच्छा, इसके बाद ये केरल के भी जो है राज्यपाल रहे, यह भी आपके लिए याद रखना है, केरल के राज्यपाल भी यह रहे। तो यह कर प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो केरल के रहे। अब आते हैं हम चेप्पुदरा मुथाना पुनाचा, ठीक है। तो पुनाचा साहब बोला जाता है इनके लिए, सीएम पुनाचा साहब। तो सीएम पुनाचा साहब जो थे, यह काफी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रहे मध्य प्रदेश और देश की राजनीति, ठीक है। यह कुर्ग के मुख्यमंत्री, कुर्ग मैसूर मिलाकर के कर्नाटक बना था, तो मैसूर के कौन थे ये भी आपको याद रखना, और कुर्ग के कौन रहे यह भी आपको याद रखना, ठीक है। कांग्रेस से जुड़े थे, ठीक। फिर यह जो है केंद्र में भी पहुंचे, केंद्र में वित्त मंत्री भी रहे, ठीक है। इसके बाद राज्यपाल भी रहे मध्य प्रदेश के, तो सीएम पुनाचा साहब को आपको याद रखना है कि कुर्ग के मुख्यमंत्री रहे थे। भगवत दयाल शर्मा से 2020 में क्वेश्चन आया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और तीन बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। यह प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन से जो राज्यपाल है वह तीन बार क्या मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं, ठीक है। कितने बार? तीन बार। कैसे हुए, क्यों हुए, इसकी कहानी पर आपको नहीं जाना है, कार्यकाल भी नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें से पढ़ लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री वाला क्वेश्चन आया था, देखो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये, इसलिए अपने यहाँ क्वेश्चन ये आया था, ठीक। इनमें से कौन सा जो राज्यपाल है वह हरियाणा का भी मुख्यमंत्री रहा था। उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे, हालांकि ऐसे कहाँ कहाँ के रहे ये तो आपको याद नहीं रखना है अधिकांशतः, लेकिन जो मध्य प्रदेश के थे उनका आपको याद रखना है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के मांचू साहब थे वह केरल के राज्यपाल भी रहे, ठीक है। चलो फेमस पर्सनालिटी में क्योंकि आ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ पहुंचते हैं जीपी सिंह पर। तो गुरु प्रसन्न सिंह जो है एक्टिंग जो है क्या बोलते हैं इसके लिए, राज्यपाल रहे, गवर्नर रहे, तो न्यायाधीश थे, ये आपको याद रखना है। दो बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे, ठीक है। कब? बीडी शर्मा के समय, भगवत दयाल शर्मा के समय, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री। किताब जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टैचुरी इंटरप्रिटेशन 1966 में क्या हुई थी, यह नियुक्त हुई थी, यह बात भी आपके लिए याद रखनी है। आगे चलते हैं हम अगले राज्यपाल की ओर, के एम चांडी साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे, बहुत काम किया इन्होंने। के एम चांडी साहब जो है यह भी दो बार रहे। इनके बारे में आपको एक याद रखना है कि इनका जो ये साप्ताहिक है पूछा जाएगा तोजी लाली, ठीक है। तोजी लाली साप्ताहिक जो है उसका संपादन और प्रकाशन किसने किया, तो यह किया था जो हमारे राज्यपाल थे, कौन, के एम चांडी साहब को पढ़ रहे हैं हम, है ना, तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने इलायची मंडल और जो दक्षिण भारत में जो मसालों की खेती करते हैं उन किसानों के लिए, उन श्रमिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किया। रबर उत्पादक संघ की स्थापना भी किसने की थी, चांडी जी ने की थी, और उसके बाद यह रबर बोर्ड के अध्यक्ष भी बने थे। रबर सड़कों के बीच में आज भी इनका नाम काफी सम्मान के साथ लिया जाता है। कहाँ से आते हैं, तो यह आपको याद रखना है, यह आएंगे आपके जो केरल साइड है वहाँ से यह आएंगे, केरल के कोट्टयम जिले से यह आते हैं, ठीक। अब हम आगे पहुँचते हैं, पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी रहे, गुजरात के राज्यपाल भी रहे, तो यह चीज़ें आपको याद नहीं रखना है, सिक्वेंस से अगर आप याद हो जाए तो ठीक है। फिर आते हैं अपन एनडी ओझा पे, तो एनडी ओझा सब मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य कार्यवाहक राज्यपाल रहे, तो यह बात इनके विषय में थोड़ी सी रखी हुई थी। फिर आते हैं मध्य प्रदेश की प्रथम जो राज्यपाल हैं सरला ग्रेवाल जी, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे, यह राजीव गांधी जी के साथ भी काम कर चुकी हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल और भारत की दूसरी महिला प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है इनके लिए, ठीक है, निर्मला बुच, यह सरला ग्रेवाल के बारे में बात कर रहे हैं। निर्मला बुच तो मध्य प्रदेश की पहली आईएएस आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये शिमला डिप्टी कमिश्नर बनाई गई और इस पद को पहला को अपनाने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी थी।
शिक्षक संचालक बनने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। तो पहले पहले पद उन्होंने काफी जो है निकाले। जब भारत में हरित क्रांति चल रही थी तो उस समय भी जो है सरला ग्रेवाल जी पंजाब में विकास आयुक्त थी और कृषि संबंधित विभागों का दायित्व भी उन्होंने एज अ सचिव संभाला था। ठीक है, इसका आपको याद रखना है। और जब भारत के प्रधानमंत्री 1985 में राजीव गांधी जी हुआ करते थे तब उसकी सचिव भी कौन रही थी, तो जे हमारी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल जी रही थी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। 2002 में जो है इनका देहावसान हो गया था। अब पहुंचते हैं हम कुंवर महमूद अली खान साहब पर। ठीक है, कुंवर महमूद अली खान साहब 1990 से 93 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, उत्तर प्रदेश से आते थे, है ना। और इनके बारे में सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह जी से प्रभावित थे। दूसरी बात में ये महत्वपूर्ण रखना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था पर अशोक मेहता समिति गठित हुई थी उसके सदस्य थे मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। ठीक है, कौन कौन कौन, तो यह आपको याद रखना है कि हमारे महमूद साहब। ठीक है, महमूद अली खान साहब जो है वह पंचायती राज व्यवस्था पर जो अशोक मेहता समिति बनी थी उसके समिति सदस्य बनाए गए थे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ में डली हुई, आप खुद पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है वह मैं आपके लिए बताता जाता हूँ। ठीक है, अब पहुंचते हैं अपन हमारे अगले राज्यपाल में, और मोहम्मद शरीफ शफी कुरैशी जो 1993 से 1998 तक राज्यपाल रहे। इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हुआ करते थे। ठीक है, अब इनके बारे में इतनी चीजें दी गई हैं, इन चीजों का कोई मुझे लगता है कि औचित्य नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि यह जम्मू कश्मीर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष रहे। तो प्रश्न ये आ सकता है कि इनमें से किस राज्यपाल का जो संबंध है वह जम्मू कश्मीर से रहा, तो आपको कुरैशी साहब को याद रखना है। ठीक है, चलो अब आते हैं डॉक्टर भाई महावीर जी से। तो डॉक्टर भाई महावीर जी 1998 से 2003 तक रहे, यह संघ की पृष्ठभूमि से आते। अभी तक के जो राज्यपाल थे आपने देखे मैक्सिमम कांग्रेस समाजवादी पार्टी ये लाना डमाका से जो सत्ता में रहे। अब आता है अटल जी का युग 1998 में। अटल जी ने फिर अपने लोगों के लिए आगे किया, तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो है इनका जन्म स्थान वर्तमान के पाकिस्तान में हुआ था, करायला जिला जो है झेलम का, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा फिर यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े और फिर भाजपा की अनुशासन समिति से भी जुड़े और फिर जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी यह नियुक्त किए गए थे। इस समय भी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वह दिग्विजय सिंह जी थे। ठीक, चलो अब आते हैं श्री राम प्रकाश गुप्त जी पर। 2003 से 2004 के बीच में यह रहे। तो जब 2003 में वहां से केंद्र सरकार से भारतीय जनता पार्टी का शासन गया, उसके बाद थोड़े समय के लिए इनको भी बनाया गया था। तो इसमें आपको याद रखना है कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे थे। ठीक है, और फिर जो चीजें हैं ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे कौन, उप मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे, यह आपको याद रखना है। और 99 में मुख्यमंत्री बने थे, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे थे कौन, तो यह आपको याद रखना है, श्री राम प्रकाश गुप्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ साहब कम समय के लिए रहे। ठीक है, लेकिन पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के भी थे, एक्चुअली में क्या था कि ये छत्तीसगढ़ के नियुक्त हुए थे, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक अतिरिक्त प्रभार था इनके पास। ठीक है, तो फिर भी अपन पढ़ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी इनको बनाया गया था। लेफ्टिनेंट सेना से आते थे, तो सेना से संबंधित व्यक्ति थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन ये भी आ सकता है इनमें से कौन सा जो राज्यपाल है वह सेना से संबंधित था। ठीक, अब आगे चलते हैं बलराम जाखड़ जी पर। तो बलराम जाखड़ जी ने बहुत काम किया, कांग्रेस के थे, लोकसभा के स्पीकर भी रहे और मध्य प्रदेश के जो है राज्यपाल भी रहे 2009 तक। और इन्हीं के समय मध्य प्रदेश राजभवन का जो टेक्नोलॉजी से संबंधित काम था वह भी प्रारंभ हुआ था। चलो देख लेते हैं, इन्हें उद्यान पंडित के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके लिए हॉर्टिकल्चर का बहुत शौक था। ठीक है, इनके लिए डॉक्टर ऑफ साइंस और विद्या मार्तंड की उपाधि भी दी गई, तो ये भी याद रखना है। लोकसभा की लगातार दो बार अध्यक्ष रहे 1980 से 84 तक। आपको एक बात याद रखनी है कि जब मध्य प्रदेश की विधानसभा का क्या हुआ था, भूमि पूजन हुआ था, तब यह क्या थे,
मध्य प्रदेश जब लोकसभा के अध्यक्ष थे तो यह आए थे करने के लिए, ठीक है, यह आपको याद रखना। दूसरी बात इसमें, इनमें आपको ये याद रखना है कि इनका कार्यकाल क्या था, तो 2004 से यह 2009 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। किताब बहुत महत्वपूर्ण है, पीपल पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू हॉरिजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया और उद्गार नामक यह जो पुस्तकें हैं यह लिखी गई थी किसके द्वारा, बलराम जाखड़ जी के द्वारा। यह चीज आपको याद रखना है कि राजभवन और मध्य प्रदेश राजभवन के लिए वेबसाइट निर्माण की पहल किसके समय हुई थी, तो बलराम जाखड़ जी के समय हुई थी, ठीक है। इसके अलावा तृतीय हिंदी विश्व सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। ये सब छोटी छोटी चीजें जो है यह आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। अब पहुंचते हैं हम श्री रामेश्वर ठाकुर जी पर, 2009 से 2011 तक जो है यह हमारे राज्यपाल रहे। कहाँ से आते थे, तो झारखंड से आते थे, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक के डायरेक्टर भी रहे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादातर आएगा, ठीक, लेकिन फिर भी एक बार इसको आप पढ़ लेना, इनको आप पढ़ लेना। कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे, उड़ीसा के राज्यपाल रहे, मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे, ठीक है, ओके। तो ये चार पांच जगह के रहे, इसलिए पढ़ लेना। फिर आते हैं राम नरेश यादव जी पर। राम नरेश यादव जी कब से कब तक रहे, तो 2011 से 2016 तक। व्यापम का कांड हुआ था जब, तो व्यापम में इनके पुत्र शायद शैलेश या शैलेंद्र जब नाम था उनका, नाम भी उछला था। और फिर 2016 में जैसे तब तक ही पद पर थे और उसके कुछ ही समय पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ 7/9/2016 तक यह मध्य प्रदेश के जो है राज्यपाल रहे, ठीक। और इनका जो निधन था वह 2016 में ही 22 नवंबर को हो गया था, ठीक है, तो लगभग 2 महीने बाद इनका निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, यह बात आपके लिए याद रखनी है कि यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक। चल अब आते हैं ओपी कोहली पर। तो यह कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने काफी लंबा काम किया, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो यह भी आपको याद रखना है। हालांकि इस पीडीएफ में नहीं है शायद निधन संबंधी जानकारी, लेकिन आपको याद रखना है कि यह गुजरात मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता रहे थे। फिर आते हैं हमारे पास आनंदी बाई पटेल, इनका पूरा नाम है आनंदी बाई बेन मफत बाई पटेल, ठीक है। तो 2 बार मध्य प्रदेश की आपको यह राज्यपाल दिखेंगी, ठीक। और इनका जो है गुजरात की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वह रिकॉर्ड, इनकी एक प्रकाशित पुस्तक है गुजराती में, ए मन हमेशा याद रहे से, ठीक है। और फिर कुछ साहित्यिक गतिविधियां भी हैं, धरती साधना सखी के लिए भी इन्होंने लेख लिखे हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, मध्य प्रदेश की राज्यपाल पूर्णकालिक ही रही 2018 से 2019 तक, फिर कार्यवाहक राज्यपाल छत्तीसगढ़ भी रही, फिर कार्यवाहक राज्यपाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी बीच में रही थी। क्यों? क्योंकि लालजी टंडन जी का निधन हो गया था। तो लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, कब तक, 28/7/2000 सॉरी यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे 27 जुलाई 2019 से 21/7/2020 तक। तो यह पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था, यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2 बार कार्यकाल में यह विधानसभा परिषद से सदस्य रहे, ये सब चीजें मुझे लगता कि आएंगी। यह याद रखना कि बिहार के राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पहले, ठीक है। उसके बाद यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल किए गए थे, ठीक, पद पर रखते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। फिर आते हैं जो अभी वर्तमान राज्यपाल हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल, 8 जुलाई 2021 से मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, आदिवासी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, मोदी जी के खास लोगों में गिने जाते हैं, ठीक है। तो यह चीजें जो कुछ क्वेश्चंस हैं यह आपके लिए याद रखनी है। और यहाँ तक हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश के राज्यपालों का सफर, राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल से जुड़े हुए प्रावधान। तो मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और यह कोर्स जो है कंप्लीट आपको कितने रुपए में मिलेगा, तो यह आपको याद रखना है कि पूरा जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ कोर्स है यह 499 रुपए में हमारी ऐप पर उपलब्ध है। इसमें हम इसी प्रकार से काफ़ी डीप में आपके लिए मध्य प्रदेश की जो Unit 1, 3, और 5 है वह है, और जो स्पेशल एग्ज़ाम होते हैं चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, ADPO का हो, चाहे मेडिकल ऑफिसर्स का हो, इनके लिए मैं मध्य प्रदेश पढ़ाऊँगा। और यह मध्य प्रदेश हम कंप्लीट करेंगे और आपके लगभग 50 में से 35 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के जो रहेंगे उन्हें आप आसानी से हल कर पाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।